अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन। आज हम लोग नवाब्स किचन में मटन बिरयानी बना रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं यूट्यूब में भी, लेकिन जो नवाब्स किचन स्टाइल में हम लोग बनाते हैं वो बहुत ही यूनिक स्टाइल है और बहुत ही टेस्टी भी बनेगा। कभी अगर वक्त मिला ये प्रोसेस फॉलो करिए, उससे पहले सारा वीडियो देखिए। इसी बाउल में हम लोग पहले ऑयल ऐड करेंगे और घी ऐड करके जो बिरयानी का प्रोसेस है वो स्टार्ट करेंगे। कुकिंग ऑयल, इसी में हम लोग प्योर घी ऐड करेंगे। ऑयल और घी अच्छी तरह गर्म हो गया है, इसी में हम लोग थोड़े गर्म मसाले ऐड करेंगे। शाही जीरा के साथ साथ लवंग इलायची पट्टा ऐड करेंगे। इमीडिएटली इसी में हम लोग जो स्लाइसेस में कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। इसी ऑनियंस को हम लोग ब्राउनिश शेड में आए तक इसी तरह मिलाते हुए तलेंगे। ऑनियन स्लाइटली ब्राउनिश शेड में आते ही इसी में हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ऑनियंस और जो अदरक लहसुन का पेस्ट ऑयल में अच्छी तरह भुने गया है, इसी में हम लोग जो अच्छी तरह वॉश करके रखे थे नली बोन्स वो इसमें ऐड करेंगे। मटन घी में और ऑयल में अब प्याज के साथ अच्छी तरह भुने गए बाद इसी में हम लोग हल्दी मिर्ची नमक ऐड करेंगे। नमक मिर्ची हल्दी डाले बाद एक 10 मिनट तक अच्छी तरह पकाए बाद इसी में हम लोग दही ऐड करेंगे।
इसी मटन पीसेस को हम लोग हाफ बॉयल हुए तक पकाएंगे। एक तरफ ये पकते रहेगा, दूसरी तरफ हम लोग बासमती राइस का प्रोसेस देखेंगे। बिरयानी को और भी मज़ेदार और भी ग्रेवी और भी मसाला ऐड करने के लिए इसी में हम लोग थोड़े हम लोग पहले ही ब्राउन अनियंस प्रिपेयर करके रखे हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। ब्राउन अनियंस के साथ साथ इसी में हम लोग लेमन जूस ऐड करेंगे। इसी में हम लोग थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग मीट मसाला ऐड करेंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ इसी में हम लोग हरा मसाला ऐड करेंगे। बॉइल हो रहे सो इसी वाटर में हम लोग रॉ स्पाइसेस ऐड करेंगे। Thank you.
जो भी नवाब्स किचन ऑफिशियल टीम को कांटेक्ट करना चाह रहे contact@nawabskitchen.org पे मेल करिए, हम लोग आप तक पहुंचेंगे, मैं डायरेक्टली आपसे बात करूंगा। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करिए, जो भी वीडियो पहली बार देख रहे अपने दोस्तों को शेयर करिए। सारा टीम बहुत ही मेहनत करता है, इन सभी के लिए दुआ करिए। अल्लाह हाफिज़।